होगा, कोई तो उपाय होगा, तो बताइए क्या उपाय है। लेकिन लेकिन उस उपाय को बताने से पहले एक कहानी और सुनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, अगली कहानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर मंजू सिंह। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम लोग गए थे इंडिया गेट घूमने, तो उस इंडिया गेट की वीडियो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के बाद शेयर करूँगी। वहाँ पर हम लोग घूमने गए थे ना, तो इंडिया गेट के पास ही एक नुक्कड़ नाटक हो रहा था, जहाँ बैठ के हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक देखा और बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों के साथ वो नुक्कड़ नाटक शेयर करती हूँ। बहुत ही अच्छा नुक्कड़ नाटक था फ्रेंड्स, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पवन भाई, देखा है उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा, तो बताइए क्या उपाय है। लेकिन लेकिन उस उपाय को बताने से पहले एक कहानी और सुनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, अगली कहानी के लड्डू। हेलो हेलो मैम, आप जीना बात कर रही हैं? हाँ जी। कांग्रेचुलेशंस, आप हमारे रियलिटी शो कौन बनेगा अरबपति में सेलेक्ट हुई है। कूल, तो क्या आप मैम इसका हिस्सा बनना चाहेंगी? हाँ जी। हाँ, तो मैं आपको एक फॉर्म भेज रहा हूँ, उसे फिल कर रजिस्ट्रेशन फी के साथ जल्द से जल्द भेज दें, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। सर, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? ज्यादा नहीं है, बस 10,000 रुपए है, और शूट दो दिन बाद है। अगर आपके डेट्स फ्री हैं तो मुझे जल्द से जल्द कंफर्म करें। पर मेरे पास तो पैसा हो। जागते रहो, जागते रहो। रुक कर देखो खुद को, यूं ना भागते रहो। रुक कर देखो खुद को, यूं ना भागते रहो। रुक कर देखो खुद को, यूं ना भागते रहो। जागते रहो, जागते रहो। जागते रहो, जागते रहो। देखा हेमंत भाई? हाँ पवन भाई, जागते रहना कितना जरूरी है आज के जमाने में। सही कह रहे हो, थोड़ी सी चूक हो ही नहीं कि कोई और आपको बेवकूफ बना के आपकी गाड़ी मेहनत की कमाई ले जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ तक कि पूरी जिंदगी में जहर का घोल सकता है। जी हाँ, और जैसे जैसे भारत डिजिटल भारत बनता जा रहा है, उसी रफ्तार से ये साइबर क्राइम के मुद्दे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा उस वरुण के साथ हुआ। जी हाँ, वही वरुण जो दिल्ली में रहता था, 16 साल का लड़का, 10वीं क्लास में पढ़ता, और अचानक शांत होने लगा, चुप रहने लगा, ना किसी से मिलता ना किसी से बात करता। वरुण, वरुण आओ बेटा, खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। मुझे भूख नहीं है मम्मी। वरुण, तुमने शाम से कुछ नहीं खाया है, चलो खाना खा लो। मम्मी, मैंने आपको कहा ना मुझे भूख नहीं है, मतलब मुझे अकेला छोड़ दो, और मैंने स्कूल जाने का पिज़्ज़ा खा लिया था। तुम क्यों से परेशान कर रही हो, उसके हिसाब से भेज दो, वैसे ही बहुत प्रेशर है। आपको नहीं लगता कुछ वक्त से वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है? उसके हिसाब से मैं, पता है कितना प्रेशर है, और जब प्रेशर, क्या हम सब मिलकर इस भारत देश की हर बेईमानी को खत्म करने के लिए ये प्रयास कर सकते हैं? बताइए, क्या इस प्रयास को करने के लिए आप तैयार हैं? जी हाँ। अगर हैं तो हाथ ऊपर उठाइए दोस्तों। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, जोरदार तालियां दोस्तों हाथ के लिए। और हेमंत भाई, सिर्फ यही नहीं, जज्बे से, जज्बातों से ही काम नहीं चलता, और बहुत सारे उपाय हैं जो हर इंसान को करने जरूरी है, क्योंकि आज के समय में बच्चे से लेकर के बड़ा, बूढ़ा, जवान, आदमी, औरत, गांव वाला, शहर वाला, हर कोई मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। तो मोबाइल के लिए इंटरनेट पे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और साइबर सिक्योर होने के लिए, साइबर सुरक्षित होने के लिए क्या क्या उपाय हमें चाहिए, वो है आइए हमारे दोस्तों से जानते हैं। अपना OTP किसी के साथ शेयर ना करें, अपना OTP किसी के साथ शेयर ना करें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें,
किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। और फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड होने पर 1930 यानी कि 1930 पर कॉल करके तुरंत अपनी शिकायत को दर्ज करें। 1930 पर कॉल करें। किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होने पर www.cybercrime.gov.in की साइट पर जाकर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करें। www.cybercrime.gov.in। और हाँ, किसी अनजान पर भरोसा ना करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अवेयर रहे अलर्ट रहे और तभी होगा हमारा भारत सच्चे मायने में डिजिटल भारत और साइबर सुरक्षित भारत। मेरी भी सुन लो, सबसे जरूरी बात जागते रहे। जी हाँ, सही कह रहे हैं। हम सोते हुए तो आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन जागकर आंखें खोलने के बाद अगर हमारा मस्तिष्क जागृत नहीं है, अगर हम अलर्ट नहीं है, तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए हमें जागरूक रहते रहना होगा और सतर्क रहना होगा। और ये मैसेज हर आदमी तक पहुंचाना होगा, हर बच्चे तक पहुंचाना होगा, हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचानी होगी। तो बताइए दोस्तों, क्या आप आज की मिली सभी जानकारियों को लोगों तक पहुंचाएंगे? जी हाँ। मुझे आपकी आवाज चाहिए। क्या आप पहुंचाएंगे? जी हाँ। क्या पहुंचाएंगे? हाँ। बहुत अच्छे, तो मिलकर बोलिए हमारे साथ, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छोटा सा परिचय हमारे पात्रों का कराना चाहूँगा। सबसे पहले तो इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां हो। लगन के साथ ये नाटिका तैयार की आप सभी की जागरूकता के लिए, साइबर क्राइम क्या है ये समझाने के लिए। और मुझे लगता है आप सभी समझ रहे होंगे, आपने OTP नंबर किसी को नहीं देना है, अपनी जानकारी किसी को नहीं देनी है, बैंक की डिटेल किसी को नहीं देनी है। हाँ, और किसी अनजाने से दोस्ती भी नहीं करनी है। सारी बातें सुनी है आपने, लेकिन इसको सजाने को तैयार करने में इन कलाकारों में मैं आपका परिचय कराती हूँ। हमारे पवन शर्मा है टीम लीडर, और उनसे मैं कहूँगी कि सबका परिचय अपने मुखारबिंदु से करें। शुक्रिया मैम। स्टेप्स फॉर चेंज नाम की हमारी संस्था नाटक करती है, नाटक के थ्रू अवेयर करती है लोगों को, और NSG के साथ में हम लोग अभी ये कैंपेन कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो फ्रेंड्स, सब जगह घूमने के बाद अब हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पे, और टाइम हो गया है 9:30, और अब मेट्रो आने वाली है, और बस बहुत ज़्यादा थक गए हैं।